अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज दिन है हमारा मंडे और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है कोई 6:30 बजे का और मैं अभी अभी बिल्कुल इंस्टीट्यूट से आई हूँ और मुझे पता चला कि आज मेरे घर वाले सारे जा रहे हैं मंडी। क्या कर रहे हो? सारे घर वाले जा रहे हैं आज मंडी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है ईद से कुछ टाइम पहले मंडी ब्लॉग में जा रहे हैं प्राइस लगवाने। हम लोग जा रहे हैं दानिया को मंडी में सजाने के लिए। हम लोग बस जा रहे हैं मंडी एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ पे जाने देखने के लिए कि कैसे जाते हैं। जैसे घर पे जानवर होते पैसे सही है, तो हम लोग जा रहे हैं जानवरों को देखने। हमारे साथ एक मुगरी भी जा रही है, ये अदीना मुगरी है ना? अदीना तो मुगरी हो ना? अदीना भी जा रही है हमारे साथ और मानो ये हम लोग सारे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर लास्ट तक ये ब्लॉग देखना चैनल पर डी कभी सब्सक्राइब कर लेकिन लाजमी प्रेस कर दिएगा। पिछले साल जो हम गए थे इतनी अच्छी अच्छी काउस इतनी अच्छी अच्छी गाँवें नहीं थी, इस दफ़ा देखते हैं कि हम कैसी मंडी लगी है। बस अब हम लोग निकलने लगे हैं मंडी जाने के लिए और मगरिब हो जाएगी ना तो फिर शायद अंधेरा होता है और काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। कामरान भाई लोग भी जा रहे हैं, बाबा लोग, चाचू लोग, रुकैया हमारा, काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं इस दफ़ा मंडी। लास्ट टाइम जो हम लोग ईद से पहले मंडी गए थे वो सिर्फ बाबा, मैं और ये अम्मी वगैरह थे। इस दफ़ा ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ओके जी, हम यहाँ पहुँच गए हैं, सारे यहाँ पर बाड़े ही बाड़े हैं। पहले हम पूरी मंडी देख लेते हैं। और हाय माशाल्लाह सारे जानवर खड़े हुए वहाँ से वहाँ तक के, और ये वाला जानवर बहुत प्यारा है और वहाँ पे सारे जानवर हैं। बहुत ज़्यादा डर लगता है लेकिन फिर भी हम जाएंगे और जानवरों को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे, एक जानवरों को एक्सप्लोर करेंगे, मतलब हद होती है यार। हम चाचू के साथ ज़रा आगे आ गए जी। फार्म हाउस नहीं, कौन सा कैटल फार्म हाउस है? इसका नाम क्या था इसका फार्म का? यहाँ पे सारे बैठे हैं कामरान भाई वगैरह। हाँ वो ये भी जानवर बहुत खूबसूरत है। अभी तो अजान भी हो रही है। ये दोनों फड्डे कर रहे हैं। कौन दोनों? हाँ ओके ओके। यार ये कितना प्यारा है माशाल्लाह। अब यहाँ पे हम लड़ाई देखेंगे लाइव। बस ये इसी तरह की लड़ाई होगी लेकिन जानवर आप देखो। देखो चाचू लड़ रहे हैं वो। हाँ तो सभी लड़ रहे हैं वो, देखो वो भी इतना सारा स्पेस है तो इनको खोल खोल के क्यों नहीं रखा हुआ? ये बड़े जानवर है, ये बड़े जानवरों की कैटेगरी है। सही, वो सारे गुर्राल लग रहे हैं। वैसे तो माशाल्लाह सारे बड़े जानवर हैं यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह से। क्या हो रहा है ये? वो क्या रहे? क्यों लड़ रहे हैं? ये कलेश हो गया इनके बीच में। ये छूटे ना तो ये यहीं पे आएंगे कलेश करके। तो फिर कल की तरह कुत्ता पीछे लग गया। अब्दुल रहमान इधर से देखो, इधर से देखो। मुझे डर लग रहा है। चलो भाई फड्डा वड्डा खत्म करो, चलो हटो हटो। ये कौन सा बुल है? ये रशियन बुल सब फड्डे करने लग गए। मैं चप्पल भी मत चढ़ो।
उधर से पड्डा स्टार्ट होते हुए इधर आ गया, इधर से फिर उधर जा रहा है। आओ हम लोगों ने देख ली है सारी गायें वगैरह, अब हम लोग जो है वो दूसरे बाड़े में जा रहे हैं। बाड़ा और मंडी, मुझे नहीं पता बाड़ा और मंडी में क्या फर्क होता है, लेकिन चलते हैं। बाबा भी आए हैं हमारे साथ, अतीक चाचू भी है, चाचू चाचू हाँ हाँ चाचू, बाकी अलग ही चमक रही है। लात पड़ गई बेटा, मैं इसको चलाऊंगा। लात पड़ गई हाँ, चमक रही है, खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। तो अलग से स्लैम्प बनाते हैं। गए हैं एक दूसरी मंडी में, यहाँ पे भी चेक करते हैं। ओके, ये छोटी सी है, दूसरा फार्म है, बहन मंडी नहीं है। हाँ जो भी है, फार्म मंडी क्या हुआ। ओके हटो भैया, भैया हटो। वाओ अभी हम उसके करीब जाके देखते हैं, सबसे खतरनाक इसके सींग भी हैं। यहाँ पे जो है भिड़ रहे हैं जानवर, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है। ये देखें, ये भी फड्डा कर रहे हैं और यहाँ पे फड्डे फड्डे चल रहे वाली भी लड़ रही है चाचू, देखे सभी लड़ रहे सब, मतलब ये मौका ही नहीं दे रही हमें कि हम इनको हाथ भी लगाने जाकर, ये आपस में इतना कलेश कर रही है। चाचू जाए हाथ लगाएं जरा, ये कामरान भाई हिम्मत करते हैं, मैं तो कामरान भाई जाए हाथ लगाएं, किसको लगाना है, किसी वो जो सबसे ज्यादा लड़ रही है ना उनको हाथ लगाएं आप। छोड़े कामरान भाई, तक के ऐसा ना हो टूटे फूटे में हो आप कहीं से। वो वाइट वाले को लगाऊंगा, वाइट वो सबसे मासूम है। सुनाई बताएं आप कौन सी, वो वाइट वाली शरीफ, ये वाली जो मिट्टी उड़ा रही है। ओहो पूरी मिट्टी कैमरे के आगे, सारी मिट्टी मिट्टी हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट हो रही है। वो है कौन सी है, वो वाली अहमद खोल के लेकर आ रहा है। हाँ चाचू मिट्टी इतनी उड़ रही है ना इधर कि जिसकी कोई हद नहीं। वो देख उसको देख, वो देखो वो भी खुलने की तैयारी में बिल्कुल। अच्छी है ये गाय, मासूम है, जब ये खोल के ले आया, अगर इनमें से कोई गाय होती तो ये खोल के कभी भी नहीं लाता। प्यारी सिखाओ, गाय बहुत अच्छी है, बट अगर ये पिंक कलर में होती तो ज्यादा अच्छी होती है। लेम था, बहुत लेम था, बोलो बहुत लेम। इंशाल्लाह दाव इंशाल, तुम हाथ लगा के दिखाओ नाजरीन को, ये देखें वीलॉग वाली। सही बता रही हूँ, मैं डरती हूँ। मैं नाजरीन को हाथ लगा रहा हूँ भाई। जाओ ना। अबे उस्मान शोर शराबा नहीं करो यार। लगा लगा। नहीं मैं लगा लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, बच्चों के साथ मिलकर मैं भी लगा लेती। अब मुझे समझ में आ गया कि मंडी होती है 12 महीने, मंडी होती है सिर्फ गाय बकरा ईद के सीजन की, और बाड़ा होता है 12 महीने का, इन दोनों में ये डिफरेंस है। और इधर ही पलते हैं ना, लेकिन यहाँ से भी बकरा ईद का सौदा हो सकता है आराम से। आप तो हाथ लगाएं। मैं अभी नहा धो के आया हूँ। तो क्या ये कामरान भाई नहाए नहीं आपकी? हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे। डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है बाबा को। तो फिर इसको हाथ लगाएं। अच्छा चलें। बाबा ये बैठी हुई है पीछे, चल भाई क्योंकि मारेगी बेचारा, खड़ा हो जाएगा। हाँ ये ले इसको हाथ लगा। हाँ इसको नहीं उसको लगाए, वो जो बिदक रही थी। और अब बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, यहाँ पे लाइट का भी सिस्टम नहीं है, बहुत ज्यादा डस्ट हो रही है। तो अब हम लोग जो है वो घर जा रहे हैं। बाय। अगर आप पिंक कलर की होती तो ज्यादा प्यारी होती है। अगेन लेम था। बाय। अब हम लोग मंडी से जा रहे हैं घर। ये कितनी रोशन है मंडी, यहाँ आना चाहिए था ना बाबा, इतनी यहाँ पे अच्छी रोशनी है, सारी काउस अच्छे से दिखेंगी, यहाँ आना चाहिए था। घर हम आ गए हैं मंडी से होकर, पहले जल्दी से हाथ वाथ वॉश करते हैं, टिश्यू विशू फेंकू। चूचे तुमने हाथ तो लगाया नहीं था, फिर भी हाथ वॉश कर लेना, मुंह वॉश कर लेना। सही है, तुम्हें लेवेंडर वाली काऊ पसंद आई? हाँ सही। पूछे तुम्हें
तुम्हें कौन से कलर की काओ पसंद आई? और एक गाय ने हाइलाइटर लगाया वो हाइलाइटर नहीं था, उसकी सिल्क की स्किन थी। क्या बोल रहे थे ये लोग? सिल्क की चमड़ी फैल जो भी है, मुझे गाय वाले रेशम पता नहीं, रेशम रेशम सही है कि जी। मंडी से हम लोग आ गए थे और हमें पता चला कि फूफा भी आ गए हैं रुकैया हमारा को लेने के लिए। रुकैया हमारा अम्मी कितने दिन बाद जा रहे हैं? तकरीबन 10 दिन बाद है ना, 10 दिन रुके हैं ये लोग और अब ये लोग जा रहे हैं। रोना आ रहे हैं, मुझे बाबुल की दुआएं लेती जा रही है और यहाँ पे ये लोग पिक्चरां ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम इन लोगों से गले वाले हम दोनों चेहरा साफ रखिए। भाई मानो टमा कब भी ले लिया और ये दिन आओगे अभी जून जुलाई में आओगे ना दोबारा रहने। अल्लाह हाफिज मानो के बच्चे छोटे से लाफिज मेरा मुन्ना आओ कैया व्लॉग वाली से यार थोड़ा नीचे हो जाओ इतनी लंबी हो तो। अल्लाह हाफिज बस कर दो चलो। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज ओके कौन है तेरे अभी क्या हुआ तुम रो रही हो? मैं करती हूँ रो रही हो मैं आप लोगों को ये बोलने जा रही थी कि अब हम लोग हो गया रात के खाने का टाइम और हम लोग जा रहे हैं नन्ना के घर। मैंने एक स्टेप रखा है नीचे और ये चुड़ैल बैठी हुई थी। ये तुम के ड्रामास देख देख के ना वो ही बनते जा रही हो मुझे लग रहा है। रियलिटी में आओ बेटा, ड्रामे देखो बस, इसके ड्रामे देखो भाई। हम लोग जा रहे हैं नन्ना के घर खाना वाना लेकर और जो है जैसे एज यूजुअल हम जाते हैं नन्ना के घर रात का खाना खाने के लिए, तो वहाँ चल के देखते हैं कि रात के खाने के क्या सीन्स हैं, क्या बनाया है। अम्मी ने बनाया वैसे आज खाना ना रात का, कभी नन्ना कभी अम्मी। ओके जी आ गए हैं हम नन्ना के घर पर। खुशबू सीढ़ियों से चलते ही खुशबू इतनी मज़ेदार आती है। ओके जी तो अब हो गया है हमारी रात के खाने का टाइम और देख लेते हैं कि रात के खाने में क्या है, देन उसके बाद जो है हम अपना ब्लॉग इंशाल्लाह एंड कर देंगे। ओके जी हमारे खाने में है दाल चावल और ये वाले चिप्स। ओके जी तो खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है और जो है आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ कि नानू के लिए आया है चार्जिंग फ़ैन, बड़ा प्यारा सा। पूछे इसको ऑन करना आता है? करना ज़रा छोड़ो बल्कि क्या करना है फ़ैन को ऑन करके, ठीक है? तो हम तो क्योंकि ब्लॉग का एंड कर देते, पता नहीं मैंने फ़ैन को दिखाया, खैर कोई बात नहीं। तो इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। आई होप यू लाइक इट, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि आप लोग आज का ब्लॉग कैसा लगा। इसी के साथ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन साथ में प्रेस कर दीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से कर नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।